मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहो भाई शहनाज, इतने दिन के बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? हाँ तानी, वो एक जरूरी काम था। दरअसल मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ और मेरा बेटा ना घर पर अकेला होगा। लो इतनी सी बात, मैं गुलाम को भेज दूंगी घर की रखवाली के लिए। अरे नहीं नहीं, मैं रास्ते में ही हूँ, बस एयरपोर्ट की तरफ निकल रही थी, तो मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ती हुई चली जाती। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आ जाओ तुम अपने बेटे को लेकर। अरे वो बहुत शर्मिला है, बहुत सीधा है, वो तो बाहर ही खड़ा रहेगा। प्लीज तुम उसे बाहर निकल कर देख लेना, या किसी को कह देना कि वो देख ले। चलो ठीक है, उसको कहो कि जब आ जाए तो घर की बेल जरूर बजा दे। बहुत शुक्रिया। चलो तुम बेफिक्र हो जाओ, हम ख्याल रखेंगे उसका। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ठीक, अल्लाह। गुलाम, लड्डू। जी 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 जी। हमारे घर एक बच्चा आ रहा है। क्या कह रही है बेगम? अरे दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी सहेली का बेटा है, बच्चा है, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ रखेंगे ख्याल। इतनी बेजार शक्ल क्यों बना रहे? हाँ बस। हाँ गुलाब। जी 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 जी। मैं मेरी मजाल के मैं बेजार शक्ल बनाऊंगा? हुक्म कीजिए बेगम। हाँ तो हुक्म ये है कि गेट के बाहर चले जाइए और वहीं खड़े रहिए, जैसे ही वो बच्चा आए उसको लेकर अंदर आ जाए। लड्डू बाहर जाओ, बच्चा आए तो ले जाओ अंदर, मैं जरा उस बच्चे के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लूँ। ठीक है? शाबाश। ठीक है बेटा। जी जी बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चे का। हाँ हाँ। तो शिकायत ना हो मेरी सहेली को। मैं आराम कर रहा है काम चोर। क्या ससुर जी, क्या जिंदगी है, दूसरों के बच्चे संभालने पड़ रहे हैं। तो उसमें किसी का क्या कसूर है भाई? मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब ये कि हमारा अपना काम कम है, एक और नई जिम्मेदारी आ गई। फिक्र नहीं करो, आने दे बच्चों को, ऐसा डराऊंगा ऐसा डराऊंगा, एक कोने में दुबक के बैठ जाएगा, देख लीजिए। आप मेरा कितना ख्याल करते हैं ससुर जी, मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। किसके लिए? तेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं कर रहा भाई। फिर किसके लिए कर रहा है? अपने लिए। वो कैसे? अब भाई अगर मैं ये नहीं करूँगा ना, और बच्चा अगर तंग करेगा, तो तुम्हारी मम्मी जी ने मुझे चौकीदार बना देना है। हाँ मैं समझा, तो आप इज्तमाही कुर्बानी कर रहे हैं, नहीं इज्तमाही भलाई कर रहे हैं। हाँ इज्तमाही कुर्बानी कहाँ से आ गई यार, अजीब आदमी यार तू भी। मुसीबत है यार। क्या कर रहे हो? ऐसे करे हो? क्यों करे हो? कहाँ ढूंढूं इस अजाब को? मम्मा ने आंटी के घर छोड़ा था। आंटी, आंटी किधर है? तुम हमारे घर आओ ना पार्टी के। तू ही होगा। मैं ये नहीं हो सकता, तू ही होगा। मैं कौन हूँ? मैं तुझे चीज दिलाऊंगा, फिर हम चील कौवे उड़ाएंगे। चल आ सामने, पहले चील चाय। अरे अंकल, अंकल जा रहे हैं, अंकल यार पीछे आने दे। सुन अबे, मेरा लड्डू है और साइज में तू लड्डू है। अंकल किधर लेके जा रहे हैं, प्लीज ना लेके जाए, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। अबे तुझे मैं अंकल दिखाई देता हूँ तो क्या आंटी बोलूं? मतलब 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 तू
तू बदतमीज भी है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तू देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। लड्डू क्या हो रहा है, ये क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हुआ? अरे मम्मी जी आपने तो कहा था बाहर से जाके बच्चा पकड़ के ले आओ, मिले आया। अच्छा अच्छा ये है वो बच्चा, आओ 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 जाओ बैठो बैठो। अब मेरी सहेली ने कहा था ख्याल रखना, बैठो बैठो साहब जाओ पानी लेकर आओ। अरे लड्डू जग में लाना जग में पानी। नहीं बैठो नहीं, हमने तुम्हारा ख्याल रखना है, ऐसे कैसे जाने तुम्हें तुम्हें है। हनी हनी ऐसा करो कि फल वल और कुछ और चीजें भी लाओ ना। मैं मालिश मालिश कर दूं। लड्डू कितना वाला बच्चा, किचू किचू किचू। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? मैं उसको सीधी तरह से अंदर लेकर आ रहा था। वो चीखा क्यों था? जी मैं आपको बता दूं, वो बच्चा नहीं है, वो अफलातून का बच्चा है, वो बदतमीज बच्चा है, बहुत तंग करेगा हम लोग। अबे छोड़ो, बहुत बच्चे देखे मैंने, छोड़ो। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे स्कूल के टीचर रहे हो, बच्चे सीधे करने का काम करते रहे हो। हाँ यार टीचर तो नहीं, हाँ यहाँ रह जाके मैं फटीचर जरूर बन गया हूँ। हाँ ये भी है। क्या मतलब? गोलू मोलू मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं, है मेरा बच्चा। मामा मैं खाना इसको अपने हाथों से खिलाऊं? हनी ये बकरा नहीं है, बच्चा है, है? जो बड़े शौक से पूछ रही हो, अपने हाथों से कुछ खिलाऊं? मुझे बस बाहर जाना है। हाँ हाँ चले जाना चले जाना बेटा, तुम्हारी मम्मा शाम तक के लिए कहीं गई है किसी काम से, आएंगी ना तो उनके साथ घर चले जाना। मेरी कोई मम्मी नहीं है। मेरा मुन्ना ऐसे नहीं बोलते। बुरी बात है बेटा, ऐसे थोड़ी नाराज होते हैं अपनी मम्मा से। मुझे बस इस घर से बाहर जाना है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। गुलाब लड्डू जल्दी आओ भाई। जी 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 मम्मी जी। जी बेगम जी बेगम। अरे भाई संभाले इस बच्चे को, मेरे तो बस का नहीं है, मैं तो अंदर जा रही हूँ। मम्मी जी आप फिक्र ही ना करें, मैं इसका ऐसा ख्याल रखना। जी जी आप जाए, इसे हम पे छोड़ दें। बोल रे डब्बे बोल जरा, ओ जरा बोल रे डब्बे बोल जरा। एक मिनट एक मिनट। यार ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो आंटी जी आंटी जी। अब तो मस्तियां करेंगे, मजा आएगा। बर्बाद जिंदगी है यार। अंकल जी भूख लग रही है। खामोशी से जाके सोफे पे बैठ जाओ, समझे? तंग ना करो मुझे। अंकल लेकिन बहुत भूख लग रही है। अंकल जाके बैठ जाओ वहां पर खामोशी से, खाना बन गया तो ले आऊंगा वहीं पे। तंग किया ना तो बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ बता रहा हूँ मैं। काम करें काम करें। आंटी जी आंटी जी। नानूनी नानूनी मैं रो रहा हूं। अरे अरे क्या हो रहा है ये गुलाम, ये कैसा शोर है? मुझे डांट कर कह रहे हैं बर्तन दो। मैं गुलाम ये क्या सुन रही हूँ मैं? झूठ सुन रही हूँ। हाँ हाँ अरे हद हो गई, इतना सा बच्चा वाला झूठ बोलेगा? इतना सा बच्चा नहीं है ये, पूरा है पूरा। अरे बदतमीज है, बहुत तेज है, ईमान से बेजो नहीं कह रहा हूँ मैं। देखिए आंटी जी अभी भी डांट रहे मुझे। गुलाम मैंने आपसे कहा था ना कि इस बच्चे का आपने ख्याल रखना है, और आपने इसको भूखा रखा है। मतलब आंटी जी जब मैंने इनसे खाना मांगा तो कहने लगे मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? मैंने कहा अच्छा चलो बेटा ये रखो। और पता क्या कहने लगे
कि ना मैं आंटी से नहीं डरता, वो मेरा क्या बिगाड़ेंगी जब मैंने अब यार यार बनवाएगा यार मैंने चलो बेटा ये रखो कुछ आप आज चलो मैंने कब कहा बच्चा वहां बैठो अभी खाना भेज के मैंने आपसे कहा था ना कि इस बच्चे का ख्याल रखिएगा जी जी अरे शहनाज की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारे बिजनेस में आपको याद नहीं रहता कुछ भी मैं तो ख्याल बहुत रखा ये झूठ चलिए ठीक है खाना लेकर आइए ट्रे में रख के अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूं ज्यादा लाइएगा बच्चा माशाल्लाह सेहतमंद है जी जी बच्चा भी सेहतमंद है बेटा बदला ना लिया हो मैंने भी तो गुलाम नाम नहीं मेरा मेरा बच्चा बोर हो रहा है जी बाजी बहुत ज्यादा अच्छा बिल्कुल भी मैंने कह दी थी आप लड्डू लड्डू जल्दी आओ जी बेगम आपने बुलाया मैं चला आया ठीक है तुम एक काम करो जल्दी से मेरे कमरे में जाओ मेरा मोबाइल लेके जाओ आपका फोन आपका मोबाइल क्यों क्यों मैंने जो कहा है वो करो जाओ जाओ कुत्ती को जाओ ठीक है लड्डू आया फोन भी लाया हाँ अब मेरा मोबाइल इसको दे फोन इसके हाथ में दे दूँ अब आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई तो हाँ तो मेरा कौन सा बिजनेस चल रहा है दो तो पक्का दे दूँ दे रहे कि नहीं दे रहे हो ये रहा तुझे है कैसे बात कर रहे हो इससे मुझे मजाक करो ठीक है और क्या हो गया घर कब तक काम क्यों नहीं हुआ ओ सुबह से अच्छे से सफाई कर रहा था बर्तन धो रहा था कपड़े धो रहा था और अब खाना पका रहा हूं हां तो हो गया ना अब जाओ काम करो हां झाड़ू उसके बाद कर दूंगा ठीक है जा रहे कि नहीं कर रहा हां जा रहा हूं जा सर फोड़ दूंगा मगर मेरा फोन मैं मेरी बेगम का फोन खराब किया तो ए भाई पांव पर गल्ले झाड़ू निकालनी है ए भाई अबे वो मोटे डायनासोर गेंडे जिनके बच्चे सुन नहीं रहा पांव पर कर मुझे झाड़ू निकालनी है मुझे तंग ना करे अंकल मुझे गेम खेलने दे बहुत सुन मेरी एक तो तू मुझे अंकल मत बोल समझ आया और शराफत से अपने पांव पर गल्ले चल 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 जल्दी कर वरना क्या करेंगे अंकल वरना क्या कर लेगा अंकल अभी बताता हूं समझा तू मम्मी जी ये झूठ बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी ये झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है अरे तुम झूठ बोल रहे हो इतना सा बच्चा भला झूठ बोल सकता है बेगम आप इस बच्चे को कुछ ज्यादा छोटा बच्चा नहीं समझ रही अरे क्या हो गया गुलाम और लड्डू आप दोनों को एक छोटे से बच्चे के पीछे पड़ गए अरे नहीं मम्मी जी ये ना मासूम सा बच्चा जो है आप यकीन माने मैं खुद झाड़ू निकाल रहा था सफाई कर रहा था पूरी की इसने जबरदस्ती मेरे हाथ से झाड़ू छीनी खुद ही झाड़ू लगाना शुरू किया मम्मी जी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं अरे लड्डू झूठ के लिए भी ना अक्ल की जरूरत होती है अक्ल की बताओ भला कोई खुद से अपने हाथ में झाड़ू पकड़ने की जिद क्यों करेगा ये बच्चा जिद करेगा ये बहुत चालाक बच्चा है ये मैं आपको बताता हूँ बेगम अच्छा बस बस कुछ बताने की जरूरत नहीं है मैं आप दोनों से कह रही हूँ कि इसका ख्याल रखें समझे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तो अभी आपसे बुरा कोई नहीं है, 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 है। क्या कहा सुनो क्या कहा नहीं कुछ नहीं मैं तो आप जाए आराम करें हम देख लेंगे इसे ठीक है मैं जा रही हूँ अपने कमरे में एक कप चाय बना के ले आए और इसका ख्याल रखिएगा मेरे लिए भी चाय बना दे अंकल तेरा तो बंदोबस्त अब कुछ करना ही पड़ेगा तू देख सही कह रहा लड्डू सही कह रहा
इतना दुख तो तेरी मम्मी जी ने मुझे अब तक नहीं दिया जितना कई घंटों में इसने मुझे दे दिया। डायनासोर का बच्चा। क्या? कसम से सुसर जी, मुझे ये बच्चा बहुत मशकूक लगता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे मम्मी जी की सहेली का बच्चा तो लग ही नहीं रहा, किसी जिन का बच्चा लग रहा है। हाँ यार, हाँ यार, अगर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये बच्चा रात तक हमारी जिंदगी अजीर्ण कर देगा। अब क्या करें सुसर जी? आ, इस बच्चे की वीडियो बना लेते हैं, ताली बेगम को दिखाएंगे कि देखो ये बच्चा कितना खतरनाक है, और इस तरह हमारे इस जिन्नाती बच्चे से जान भी छूट जाएगी। प्लान बताऊं मुझे। गुड हो गया। यार किसकी ये चेक करें ना? किसी की वीडियो आई है। किसकी है? अबे ये तो हनी के मोबाइल से आई है भाई। याद आया, हनी ने अपना फोन उस जिन्नाती बच्चे को खेलने के लिए दिया था। मैं वीडियो बना ली सुसर जी हमारी। क्या ख्याल है अंकल, ये वीडियो मम्मी जी को भेज दो। नहीं 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 नहीं, देखो बेटे ये सोचने और करने की तुम्हारी उम्र नहीं है, ये ना क्या करो बेटे। अच्छा तुम्हें बताओ क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए बना के लाता हूँ। बच्चा क्या पिएगा, मैं अभी उसके लिए मिल्क शेक बनाता हूँ। तो ऐसा करें, मेरी टिक्का लस्सी ले। टिक्का लस्सी? शादी में आया है क्या? सोच ले वरना ये वीडियो मम्मी जी को भेज देता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू तो नलाजी हो गई हो, ये तो मजाक कर ला था अपनी मुन्ने से। चला मैं तुझे खिलाऊं पिलाऊं डोबली कर दूं। सुसर जी चल। टिक्का लस्सी, टिक्का लस्सी। मैं उसकी लस्सी में नींद की गोलियां मिला दूंगा और टिक्के में भी। वो जैसे ही सोएगा मैं मौका पाके उसके मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दूंगा, फिर मैं उसको मजा चखाऊंगा। और अल्लाह करे रात तक सोता रहे, कुछ तो सुकून मिलेगा यार। बस तो फिर कार्रवाई शुरू की जाए। ये लो भाई टिक्का तैयार हो गया, खा लो। हाँ, और ये रही लस्सी, अब इसे जल्दी से खा लो जिन के बच्चे। बड़ी जल्दी है खिलाने की, कोई सोने की दवाई तो नहीं मिला दी अंदर? और हम ऐसा करने का दूर दूर तक नहीं सोच सकते अपने मेहमानों के साथ, तो तुम बेफिक्र होके खा जाओ। तो फिर यही बनाए यार, और भी है? हाँ है, और है। हाँ हम खा लेंगे, तुम खा लो पहले। तो फिर ऐसा करते हैं, क्या आप पहले खा? नहीं नहीं नहीं, पहले तुम खा लो फिर बाद में खा लो। हाँ मेहमान तो आप है ना, आप खाएंगे। अगर आपने नहीं खिलाई तो मैं ये वीडियो आंटी जी को सेंड कर दूंगा। अबे यार, और लो बच्चे से पंगा। मरवाएगा? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भूख लगी होगी, आप खा लें। वैसे भी आप तो बहुत खाते हैं, खाएं। खाते हो कि नहीं, भेज दूंगा। सुसर जी, इसमें अरे मुझे सुलाने चलो, खुद ही सो गए।
आंटी जी बाजी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, सब खैर तो है ना? क्या हुआ इन्हें? तुम यहाँ थे ना, तुम बताओ क्या हुआ इन लोग को? इसलिए तो बुलाया है। अब बता भी दो, सस्पेंस मत क्रिएट करो। जब से मैं इस घर में आया हूँ ना, ये लोग मुझे जब से तंग कर रहे हैं। आंटी जी ने भी देखा था। हाँ हाँ देखा था मैंने। वो ना, मैंने इनसे कहा कि मुझे भूख लगती है, मेरे सामने टिक्का और लस्सी लेकर आ गए और खुद ही खा के सो गए। क्या इन लोगों ने ऐसी हरकत की? कितनी अफसोस की बात है ना, एक तो बेचारा बच्चा इतना भूखा, ऊपर से उसको खाना भी नहीं दिया, बहुत गलत है ये लोग। गुलाम लड्डू तो अब खा के कैसे सो रहे हैं? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, इन लोगों को तो मैं अभी बताती हूँ। अरे कौन आ गया इस वक्त? अब मामा ये लोग भी सो रहे हैं और गेट में कौन आ गया? कौन जाके देखेगा गेट में? मैं देख सकता हूँ, मैं खोल देता दरवाजा, उसमें क्या है। हाँ तुम जा। अरे नहीं नहीं इसको मत भेजो, अगर इसकी अम्मी होंगी तो कहेंगी कि मेरे बच्चे से काम करवा रहे हैं। मैं खुद जाती हूँ। बल्कि हानी ऐसा करो तुम चली जाओ। मैं जाओ ना, देखो जाकर घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। अरे तोहफा खा के कैसी गहरी नींद सोए पड़े। आइए अंदर आइए, आइए ना मामा। बहुत अफसोस की बात है, तुमसे मेरे काम भी ना हो सका था। नहीं क्या हो गया भाई? तुमने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा अपने घर में रख लो, हमने तो बड़ी मोहब्बत से रखा हुआ, ये देखो ये बेटा। अरे ये मेरा बच्चा है, बेचारा सुबह से बाहर बैठा हुआ है। तुम्हारा बच्चा ये है तो फिर ये कौन है? और अगर ये बाहर बैठा था तो क्या घंटी नहीं बजा सकता था? मैंने तुमसे कहा था ना, बहुत शरीफ है, बहुत सादा है मेरा बच्चा, तुमसे कहा था ना तानी मैंने। अगर तुम्हारा बच्चा ये है तो फिर ये कौन है? अरे लड्डू गुलाम उठो भाई, क्या मुर्दों से शर्तें बांध के सो रहे हो? अरे उठो। कौन है? कौन है? उठो भाई उठो। कौन है? कौन है? कौन 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 है? कौन है? मैं घर में नहीं हूँ। ये देखो है? अरे इनका बच्चा तो ये है शहनाज का। अरे किसका बच्चा उठा कर ले आए हो? ओ जिनका बच्चा, आपकी सहेली का बच्चा है ना? ये मेरा बच्चा है। आपका बच्चा ये? तो आप में से कोई भी इसको नहीं जानता? नहीं नहीं। ये कौन है? खुदा हाफिज़। तेरी तो रुक रुक। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद।